कार्यक्रम की शुरुआत हो उससे पहले इस बड़ा ही शुभ कार्य है, धरती के भगवान को सम्मानित करने का ये गौरवान्वित पल हम सभी को मिल रहा है, इसीलिए चाहूँगा सभी जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का आगाज करें। भगवान से हम अक्सर बहुत कुछ मांगते हैं, हम में से किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन ये वाकई बड़ा अद्भुत पल होगा जब आज धरती पे भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स का हम सम्मान करेंगे। हालांकि उनके योगदान को लेकर कोई शब्द हमारे बीच नहीं है, शब्दों में उनके योगदान को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन एक छोटी सी कोशिश यहाँ पर होगी बंसल न्यूज़ परिवार की तरफ से इन डॉक्टर्स को, इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने की। ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत से लोगों ने योगदान दिया है इस महामारी के दौरान, बहुत सी अच्छी बातें भी निकल कर सामने आई हैं, और एक छोटी सी हमारी कोशिश है कि इन सम्मानियों को, इन वॉरियर्स को हम एक छोटा सा सम्मान दें, अपने बीच मौजूदगी में उनकी बातें, उनके संस्मरण सुने कि किस तरीके से आखिरकार इस महामारी को उन्होंने पार पाया है, कैसे लड़ने में मदद की है। जीवन देने वालों का सम्मान धरती पर, जिसे कहते हैं भगवान, जिन्होंने महामारी में भी हिम्मत नहीं हारी, जिनका हौसला पड़ा कोरोना पर भारी, ऐसे हर डॉक्टर को दिल से सैल्यूट। तो बंसल न्यूज़ करता है डॉक्टर्स का सम्मान और दिल से कहता है थैंक यू डॉक्टर्स, जिनकी आंखों में नींद सपनों को तरसे, उनकी आंखों में अक्स तुम्हारा है, इतनी दूरी से तुम्हें चाहने वाला खुद से तन्हा कभी नहीं मिलता। बहुत स्वागत करता हूं, तालियों से स्वागत करें कवि मीर अली मीर जी का। इसी पल को जीने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, जहां पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, इन लोगों ने अपनी सेवाओं के माध्यम से प्रदेश, देश और पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। निश्चित रूप से हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। कविता में कवि अपनी कल्पना को जीता है। आप पाएंगे अपने बीच उन सभी वॉरियर्स को, खासकर हमारे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के सदस्यों को, जिन्होंने हमारी कलम को भी प्रेरणा दी। 8-9 महीने से हम अपने घरों में रहकर उस काल को जाना है, समझा है। कैसे हैं हमारे ये वॉरियर्स, 24 घंटे प्रहरी के रूप में अपनी उपस्थिति अंकित कराते रहे कि जिनकी आँखों में नींद, नींद शब्द को अंडरलाइन करिएगा, कि जिनकी आँखों में नींद सपनों को तरसे, उनकी आँखों में अक्स तुम्हारा है। जिनकी आँखों में नींद सपनों को तरसे, उनकी आँखों में अक्स तुम्हारा है। हम लोगों के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, और उसके हम आज साक्षी भी बनेंगे कि जिनकी आँखों में नींद सपनों को तरसे, उनकी आँखों में अक्स तुम्हारा है। कितनी दूरी से तुम्हें चाहने वाला, हम तो उन डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की आँखों में झांकते हैं और देखते हैं, न जाने कितनी तीर्थ यात्राएं उनकी सफल हो जाती जब उनका एक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचता है। और मैं इस बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री टी एस सिंहदेव जी पहुंच चुके हैं, बहुत स्वागत अभिनंदन सर, जोरदार तालियों से स्वागत करें स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री श्री टी एस सिंहदेव जी का। मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा मैं हमारे माननीय अतिथियों को, श्री टी एस सिंहदेव जी, सांसद अरुण साहू जी,
रामशरण यादव जी महापौर, बहुत स्वागत है आपका। बढ़िया, जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, हमारे विशिष्ट अतिथि महापौर रामशरण यादव जी को दो शब्द कहें हमारे वॉरियर्स के सम्मान में, क्योंकि एक बड़ा योगदान हमारे जनप्रतिनिधियों का भी इसमें रहा है। 2020 में जैसी नगर निगम का चुनाव हुआ, उसके कुछ दिन बाद ही कोरोना का महामारी एक ऐसा अनुभव दिला करके हम सब लोग को, पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को, पूरे विश्व को। आदरणीय सजादीवा जी, ऐसा कोरोना का महामारी हम सब लोग के जीवन में आया कि चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस विभाग के हों, इन तीनों पर इसलिए खास तौर पर जिम्मेदारी बढ़ गई। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में एक ऐसा सर्कुलर जारी किया जिससे कि सभी नगर निगम से संबंधित जनप्रतिनिधि, चाहे पार्षद हो चाहे महापौर हो, अपने फंड से 2-2 लाख रुपए का सामग्री खरीद सकते हैं। उसके बाद लगभग 1.5 करोड़ का राशन खरीद करके इस शहर में वितरण किया गया। हाइपोक्लोराइड की स्थिति ये थी कि मार्केट में खोजने से भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि शुरुआती दौर में 1-2 जगह बीमार पड़े, उसके बाद तो ऐसा हो गया कि ऐसा कोई वार्ड नहीं था जहां पर कोरोना पॉजिटिव ना मिले। धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अब आदरणीय PS सिंहदेव साहब फिर जांच का व्यवस्था कराए, फिर लोगों को जांच होने लगा तो थोड़ा राहत मिला। आज हालात ये है कि हमारे यहाँ 10 से 11 सेंटर है जहाँ पर कोरोना का जांच होता है। शुरुआती दौर पे सरकारी अस्पताल में ही जांच होता था, बाद में फिर प्राइवेट को देने लगे, उससे और राहत मिला। अब हम लोग उस स्थिति में पहुँच गए हैं कि शहर में जितने भी हमारे सम्मानित डॉक्टर हैं, सिस्टर्स हैं, जो लोग लगातार काम करके कोरोना में एक स्थिति ऐसा है कि कोरोना में हम लोग दवाई बनाने के लिए, आज टीकाकरण के लिए कुछ दिन बाद सफल हो जाएंगे, लेकिन जो मेहनत डॉक्टर्स और हमारे जितने नर्स हैं, सिस्टर हैं, कंपाउंडर हैं, उन लोगों ने जो अपने जान में खेल करके इतना खतरा मोल करके इस शहर में हम सब लोगों को सुरक्षित आज इस स्थिति में पहुंचाया है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शहर के विधायक शैलेश पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। कोरोना काल में उनकी सक्रियता भी सभी ने यहां पर देखी है, और आप सब तो यहां के रहने वाले हैं, वो घर से ज़्यादा आप लोगों को सड़कों पर नजर आते होंगे। लगातार उनके कामों को सभी ने देखा है और सराहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें अपने विधायक शैलेश पांडे जी का। आज ऑडिटोरियम में प्रदेश के, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय चैनल बंसल न्यूज़ द्वारा आयोजित थैंक यू डॉक्टर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान, हम सबको बच्चों जैसा प्यार करने वाले हम सबके कोरोना काल ने बहुत रक्षा करी उन्होंने, प्रदेश के सम्मानी स्वास्थ्य मंत्री, पंचायत मंत्री, आदरणीय बहुत ही सम्मानी श्री TS सिंहदेव जी, मंच पर उपस्थित बड़े भाई के समान हमारे बिलासपुर लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय सम्मानी श्री अरुण साव जी, मंच पर उपस्थित हमारे नगर निगम के बहुत ही सम्मानी महापौर जी, आदरणीय
रामशरण भैया मंच पर उपस्थित, बंसल न्यूज़ के सम्मानी मुख्य संपादक आदरणीय धनवेंद्र जी, समाज के सभी प्रमुख वर्गों से आए हुए सभी सम्मानी साथियों जिन्होंने अपना कोरोना काल में बहुत बहुत योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया, और बंसल परिवार के सभी साथियों एवं अन्य मीडिया के सभी सम्मानित बोलर जी भी पीछे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि ये हम सब जानते हैं पूरा विश्व कोरोना काल में किस तरीके से पूरा विश्व परेशान रहा, हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश किस तरह परेशान रहा, किस तरह संकट के दौर से हम लोग गुजरे, हमारा छत्तीसगढ़, हमारा बिलासपुर, हम सभी ये जानते हैं। इसमें हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने, सभी माननीय मंत्रियों ने, सभी जन विधायकों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने बहुत काम किया और कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे बहुत सारे डॉक्टर, समाज सेवी सभी ने बहुत काम किया। शुरुआत के दौर पर गवर्नमेंट इस काम को कर रही थी, कोई उसको हाथ नहीं लगाता था। कोरोना हो जाए तो लोग वहां पर जाना पसंद नहीं करते थे, इस तरीके की बैरिकेडिंग कर दी जाती थी, मतलब इतना खतरनाक प्रभाव लोगों के दिल और दिमाग में ये था इस तरीके कोरोना में। और उस समय भी अगर कोई काम कर रहा था, उस समय भी लोगों की अगर सेवा कर रहा था कोई व्यक्ति, उस समय भी लोगों की जांच कर रहा था, तो वो था केवल हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, हमारा डॉक्टर, हमारा नर्स, हमारा मेडिकल स्टाफ कर रहा था। हमने देखा, मैं एक विधायक हूं बिलासपुर का, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैंने देखा, मैं अपनी देखी हुई बातें बता रहा हूं किस प्रकार से लोगों ने सेवा करी। आज मैं बंसल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं उनके इस अनुपम पहल के लिए कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम को थैंक यू डॉक्टर रखा, जिससे डॉक्टरों का सम्मान और आभार, हम डॉक्टरों का सम्मान शायद इस मंच से कर सकते हैं, लेकिन हम उनके जो सहयोग किया है, जो उन्होंने हमारे समाज को बचाया है, उससे हम उऋण नहीं हो सकते हैं। केवल हम सम्मान कर सकते हैं वो उनके सम्मान के लिए है, बाकी उनका कर्ज जो है वो इस मानव हम सब पर जो है वो हमेशा बना रहेगा। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ हर व्यक्ति को जो यहाँ बिलासपुर से हैं, सभी लोगों जो यहाँ पर आए हुए हैं, और विशेष रूप से बंसल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं शहर के लोकप्रिय सांसद अरुण साव जी को आमंत्रित करता हूँ, दो शब्द वो भी यहाँ पर मौजूद वॉरियर्स के लिए कहें। थैंक यू डॉक्टर। बंसल न्यूज द्वारा आयोजित डॉक्टरों के, नर्सिंग स्टाफ के सम्मान समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि प्रदेश के स्वास्थ्य एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित बिलासपुर के विधायक आदरणीय शैलेश पांडे जी, नगर के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय रामशरण यादव जी, सभागार में उपस्थित मस्तूरी के विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, बेलतरा के विधायक आदरणीय रजनीश सिंह जी, अपेक्स बैंक के चेयरमैन आदरणीय बैजनाथ चंद्राकर जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, विशेष रूप से उपस्थित जिनके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित है, सभी सम्माननीय डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, बंसल न्यूज के स्टेट हेड आदरणीय धर्मेंद्र जायसवाल जी, उनकी पूरी टीम, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, इस महामारी और विपदा के दौर में मैं भी लगातार रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक डॉक्टरों को फोन करता था। डॉक्टरों के फोन चालू मिलते थे और बिना नाराज हुए, बिना गुस्साए, पूरी तरह मदद करने के लिए 24 घंटे सजग और सक्रिय रहकर, और उन्हीं के मेहनत और उन्हीं के प्रयास से आज हमारा बिलासपुर, हमारा छत्तीसगढ़ बहुत हद तक सुरक्षित रहा है। भयावह स्थिति नहीं बनी, उहापोह की स्थिति नहीं बनी, हम सब की जान की रक्षा हो पाई है। मैं एक बार फिर सभी डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का,
बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से बंसल न्यूज का बिलासपुर में इस शानदार आयोजन के लिए, इस प्रशंसनीय आयोजन के लिए बंसल न्यूज की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं इस वक्त बेहद ही सहज सरल हमारे स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री श्री सिंहदेव जी को यहां पर बुलाना चाहूंगा। वो आए और जैसे अब तक नौ महीने तक मार्गदर्शन देते रहे हैं और मार्गदर्शन देते। मंच पे उपस्थित सम्मान्य सांसद अरुण साहू जी, प्रिय सम्मान्य विधायक शैलेश पांडे जी, सम्मान्य महापौर रामशरण यादव जी, प्रिय धनवेन जी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक डॉक्टर साहब दीप्ति जी, हमारे साथी विधायक सिंह साहब, चंद्राकर जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, सम्मान्य नागरिक, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, वाहन चालकों से लेके वार्ड बॉय, नर्सिंग स्टाफ से लेके लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर से लेके स्पेशलिस्ट, सभी जिन्होंने हमारी मितानिन बहनें, सफाई के कर्मचारी, पुलिस विभाग के अग्रणी फ्रंटलाइन वर्कर्स और मीडिया के साथी जिन्होंने बहुत जोखिम लिया। मैं तो जब भी उनसे मिलता था मैं कहता था कि भाई ये मत करो आप लोग, कभी बसों में जाके, कभी भीड़ में जाके। उस समय कोरोना संक्रमण तेजी पे था, लेकिन उन्होंने उस बात की भी परवाह नहीं की और बहुत रिस्क लेके, मैं तो मानूंगा, उन्होंने कोरोना का भरपूर सहयोग कवरेज किया। बड़ी मात्रा में हेल्थ वर्कर्स प्रभावित हुए, मृत भी हुए, स्पेन में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, फिर अमेरिका में, एक और समुद्र पार करके अमेरिका ने, हमारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला, उनके मन में भी यही बात थी, कहाँ वो जाएगा और हम स्वस्थ और विकसित देश हैं, ऐसा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आज शायद सबसे ज़्यादा संक्रमित संख्या के मामले में भी और प्रतिशत के मामले में भी देशों में शायद अमेरिका होगा। जैसे जैसे संक्रमण फैला वैसे वैसे प्रतिशत लोगों की मृत्यु की दर कम हुई, कि जितने ज़्यादा लोगों को फैला उस अनुपात में लोगों की मृत्यु नहीं हुई, तो मृत्यु दर ये कम हुआ। और वैश्विक स्तर पे कुछ महीने पहले जहाँ 5 था 3 हुआ, आज 1.86 पे है। अभी के जो आंकड़े हैं वो 1.86 बताते हैं। बहुत सहयोग नागरिकों का, समाजसेवी संस्थाओं का, जनप्रतिनिधियों का, डॉक्टर्स का, टेक्नीशियंस का, लैब टेक्नीशियंस का, नर्सेस का, नर्सिंग स्टाफ का, वार्ड बॉयज़ का, वाहन चालकों का, सारे लोग जो इस प्रबंधन में लगे रहे। कितने रेवेन्यू विभाग के अफसर संक्रमित हुए, किसी के ड्राइवर संक्रमित हुए, कोई नायब तहसीलदार संक्रमित हुए, कोई डिप्टी कलेक्टर संक्रमित हुए, कोई कलेक्टर संक्रमित हुए। आपके बिलासपुर में तो बहन आई थी बिलायत से, वो भी संक्रमित थी, आपके कलेक्टर भी संक्रमित हुए बिलासपुर में, तो हमने वो भी देखा। तो ये सारे लोगों ने रिस्क लिया लोगों के लिए काम करने के लिए जानते हुए। वो तो स्वयं एक डॉक्टर, आपके कलेक्टर तो डॉक्टर हैं, और जिन लोगों ने जानते हुए जोखिम लिया, मैं मानता हूं कि उनका योगदान उतना ही ज्यादा है। अनजान में मैं जो कर रहा हूं वो उस श्रेणी में शायद नहीं आएगा जो जानते हुए जोखिम को लोगों ने अपने आप को कार्य में समर्पित किया। आज उन सभी साथियों के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, उनका सम्मान करने का प्रयास करने के लिए, उनको गहरा आभार देने के लिए और ये कहने के लिए कि हम लोग आप ही पे टिके हुए हैं। ये कोरोना सार्स कोविड 19 आया है, दूसरा भी आने वाला है, लोग कहते हैं तीसरा भी आने वाला है, आप लोग डटे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने आप को बचाए रहिएगा, हम लोगों को बचाए रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका मार्गदर्शन उम्मीद है ऐसे ही सभी को मिलता रहेगा, और पूरे कोरोना काल में आपके भी मार्गदर्शन और काम को सभी ने देखा है। दो पंक्तियां भी कहना चाहूँगा कि डर आपको भी लगा होगा फासला देखकर, डर आपको भी लगा होगा फासला देखकर, आप आगे बढ़ते गए रास्ता देखकर, खुद ब खुद नज़दीक आती गई मंजिल आपका हौसला देखकर। कोरोना वॉरियर्स हमारे बीच मौजूद हैं जिनका योगदान अमूल्य है। एक छोटी सी कोशिश बंसल न्यूज़ परिवार द्वारा आज यहाँ पर उनको सम्मान देने की।